दोस्तों सबसे पहले आप लोग फेसबुक पेज का अर्निंग देख लीजिए। एक बंदा है जो कि भाई फेसबुक पर मूवी क्लिप अपलोड करके और इतना ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है, ना ही कोई वॉइस ओवर है और ना ही कोई फेस आप लोग को दिखाना है, बस मूवी क्लिप आप लोग कहीं और से डाउनलोड करना है और उसमें थोड़ा सा अपना एडिटिंग ऐड करके और भाई उसको अपलोड कर देना है। बस फेसबुक पर अपलोड करते ही दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भाई 95% जो लोग हैं वो भाई फेसबुक को यूज करते हैं, और इसीलिए दोस्तों जितना भी फेसबुक पे वीडियो अपलोड होता है ना, सभी का सभी वीडियो वायरल होता है। और आप लोग खुद फेसबुक यूज करते होंगे और दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे कि मूवी क्लिप या कोई अच्छा सा सीन देखते होंगे तो वहाँ पर आप लोग को नीचे भाई जो है ना वो मिलियन में व्यूज गया होगा। आप लोग देख लीजिएगा अपने मतलब मोबाइल के अंदर फेसबुक को ओपन करिए और वहाँ पे चेक करिए कि जितने भी मूवी क्लिप है ना भाई लाखों में मिलियन में व्यूज गया होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग के माइंड में ये नहीं कभी चला होगा कि फेसबुक से भी पैसा अर्न होता है। दोस्तों जितने भी लोग फेसबुक पर मूवी क्लिप अपलोड कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे हैं भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं जो बिना फालतू में कहीं भी काम करेगा, ठीक है, उसको पैसा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करिए। आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग को किस तरह से मतलब मूवी क्लिप को डाउनलोड करना है, कहाँ से आप लोग को मिलेगा और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग किस तरह से अपना एक्टिविटी उसमें डालना है, मतलब एडिटिंग कैसे करना है। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट बता देता हूँ कि आप लोग को किस तरह से इसमें अपना एक्टिविटी ऐड करना है और कहाँ से आप लोग को मूवी क्लिप डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आप लोग को मूवी क्लिप कहाँ से डाउनलोड करना है सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करना है और यूट्यूब से डाउनलोड करना है। अभी आप लोग देखते रहिए, यहाँ पे आप लोग को सर्च वाले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है मूवीज मूवीज क्लिप, ठीक है, मूवीज क्लिप्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिप्स, यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मूवी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, 4 मिनट का 10 मिनट का 20 मिनट का 40 मिनट का 15 मिनट का, मतलब मूवी क्लिप्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को इतना भी याद रखना है कि आप लोग वही मूवी क्लिप्स डाउनलोड करिएगा जो थोड़ा फनी टाइप का हो या थोड़ा एक्शन टाइप का हो, मतलब आपके अगर फेसबुक पे कोई जा रहा है, आपका वीडियो कोई प्ले कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो आपको आप जो वीडियो अगर थोड़ा अट्रैक्टिव होएगा, थोड़ा सा एक्शन टाइप में रहेगा तो वो बंदा रुकेगा, उस पर रुक जाएगा, वॉच करेगा और थोड़ा सा एक मिनट अगर वॉच कर लेगा तो उसको फुल वॉच करेगा। और इसीलिए दोस्तों आपका जो फेसबुक पे मूवी होता है ना, मूवी क्लिप जो अपलोड होता है वो बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव सीन उस पर ऐड होता है। और आप लोग भी देखे होंगे भाई उसमें थोड़ा सा एक्शन टाइप का हो या फनी टाइप का हो, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का हो, उस टाइप का आप लोग मूवी क्लिप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, मूवी क्लिप को भाई एडिट करना है, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से यहाँ से डाउनलोड करके और उसी को अगर आप लोग अपलोड कर देते हैं अपने फेसबुक पेज पे तो लास्ट में जाकर आपको फेसबुक जो पेज है भाई वो ब्लॉक भी हो सकता है, आपका वीडियो ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग को भाई उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म होता है या कोई भी काम होता है भाई, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उसमें, आपका उसमें मेहनत दिखाई नहीं दे रहा है तो 100% आपका जो काम है जो पैसा वो नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म जितने वो पागल थोड़ी ना, वो तो भाई आप लोग का मेहनत देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है, इस पर कर रहा है, इसको भाई अर्निंग देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग को एडिटिंग करना जरूरी है और ध्यान से आप लोग एडिटिंग देखिएगा क्योंकि दोस्तों एडिटिंग का ही सारा खेल होता है, ठीक है। और एक थंबनेल होता है, एक एडिटिंग होता है, लेकिन दोस्तों इसमें तो थंबनेल सेव नहीं करना, आप लोग को फेसबुक पे थंबनेल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एडिटिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, आप लोग के अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पर टच करेंगे गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को 1x1 3rd नंबर पे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यही रेशियो है फेसबुक का। इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोग को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग को अपने मूवी क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद बैक जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड करते ही लास्ट पॉइंट पे गया, तो एक बार इसको प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कार्नर पे एक 3 डॉट का आइकन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों जो मैं एडिटिंग बता रहा हूँ इस तरह से कोई आपको नहीं बताएगा क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए देखते रहिए, अभी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एडिटिंग भी। यहाँ पे 3 डॉट वाले क्लिक करना और यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट एज लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है, अब आप लोग को फर्स्ट वाले पे फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिप्लेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, फिर इमेज बनाना और यहाँ पे ब्लैक कलर का एक इमेज ऐड कर लेना है। दोस्तों मैं ये काम शुरू में भी कर सकता था लेकिन दोस्तों ये जो लेयर है ना इतना लंबा, ये लेयर आपको बढ़ाना पड़ता है, इसी में आपका टाइम जाता, मतलब आपको टाइम लगता, लेकिन अब आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके वीडियो के अनुसार ये आपका जो ये ब्लैक बैकग्राउंड है ये ऐड हो चुका है, पूरा वीडियो के इतना बड़ा लंबा हो चुका है और वैसे आप लोग को बढ़ाना पड़ता है, यही मैं बोला हूँ आप लोग को, थोड़ा फीचर के साथ मैं बताते चलूँगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो वाले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को स्लिप्ट स्क्रीन लिखा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना और इस फुल वाले क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फुल स्क्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो वीडियो है यहाँ पे फुल स्क्रीन हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हल्का सा, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का वहाँ पे मूवी क्लिप डाउनलोड किया और यहाँ पे 15 मिनट का इसी तरह से क्रिएट करके अपलोड कर दिया, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा आपको, चाहे शुरू का पार्ट करिए चाहे बीच का चाहे कहीं का भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जब इस घर में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है रामचरण का सीन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कैंची में जाऊँगा और फिल्म लैप कर देना है, और इसको क्या करना है इस तरह से प्रेस करना, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है, इतना आप लोग को कर लेना। फिर दोबारा आपको वीडियो क्लिक करना और नीचे आना है, और यहाँ पे एक फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं, फिल्टर वाले क्लिक करना और कोई भी एक फिल्टर यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करने का एक ऑप्शन देगा, तो 100 होगा इसको आप लोग 30, 35 या 30 भी रख सकते हैं, आप लोग 30 में रख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग हो चुका है, थोड़ा लाइट बढ़ चुका है। अब आप लोग को बैक आना है, फिर दोबारा इस पर टच करना है, बैक आ जाना। अब यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, बस आप लोग को 2 मिनट लगेगा एडिटिंग, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं थोड़ा बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग जब इस तरह से करेंगे ना तो 2 ही मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेयर वाले क्लिक करना और यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप लोग को हिंदी में लिखिएगा, क्योंकि हिंदी थोड़ा अट्रैक्टिव होता है वीडियो पर, अगर हिंदी में लिखा होता है तो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामचरण, ठीक है, चरण रामचरण, ठीक है, रामचरण न्यू मूवी एक्शन मूवी, या तो रामचरण ने अपना बदला पूरा किया, अपना बदला पूरा, ठीक है, किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना बदला पूरा किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरह से एडजस्ट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग फॉन्ट वाले क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग फॉन्ट भी चॉइस कर सकते हैं, रोबोटो ब्लॉक कर सकते हैं, रोबोटो इटैलिक ब्लॉक कर सकते हैं, इतना आप लोग को कर लेना है। करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, कलर वाले क्लिक करना, और यहाँ पे येलो कलर मैं रख लेता हूँ, आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरह जूम कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे जूम कर लेना है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है। और क्या करना है इसका, यहाँ पे लेयर आप लोग को अगर इस तरह से बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भाई 13 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग को इस तरह से बढ़ाने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को फीचर बताते चलो, इस तरह दोनों हाथ से इस तरह से इसको छोटा कर लेना है, यहाँ देख सकते हैं छोटा कर लेना, इसको इस तरह से बढ़ा लेना है, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा आपका, देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे हमारा बढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ चुका है। अब आप लोग को फिर दोबारा इस तरह से बड़ा कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा हो चुका है, इसी तरह से आप लोग को करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस पर जाता हूँ, उसका स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैं एक बार चला के दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा और लंबा हो गया मेरा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, वीडियो वाले पे क्लिक करना है, फिर से क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोग को मिक्सर पे जाना है, और इसका जो साउंड है इसको 100 होगा 200 कर देना, या साउंड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, देख सकते हैं सर यही हो रहा है, देख सकते हैं जो साउंड है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब आप लोग को एंड पार्ट पे जाना, तो एंड पार्ट पे जाने के लिए इस तरह से आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, बस फीचर देखिए, यहाँ पे एक कांदा नीचे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे लास्ट पे चला जाएगा, देख सकते हैं डायरेक्ट वहीं पर आ गया, आपका वीडियो का लेंथ इतना है और बैकग्राउंड बढ़ा हुआ है, तो इसको आप लोग को बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कैंसिल जाना और ट्रिम राइट कर देना है, और ये भी देख सकते हैं बड़ा हुआ, इस पर क्लिक करना है, ट्रिम राइट कर देना है। अब ये आपका जो वीडियो है ना, ये 100% आपका ये क्रिएट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वीडियो क्लिक करना है और बीच में कैचअप जाना और स्लिप कर देना है, बीच बीच में 4-5 जगह ऐसे स्लिप कर देना है, थोड़ा सा स्लिप करना है, फिर इधर से थोड़ा कट कर देना है, ठीक है, कट कर देना है। और लास्ट पॉइंट पर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हल्का सा अगर कट करना, जैसे कि हमारा जो सीन था यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव जो आप लोग कट करिएगा कि अगला बंदे का भाई मूवी देखने के लिए मन हो जाए, इतना ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं, इतने रुकना है, इधर करना है और इधर कैंचिप जाना, ट्रिम राइट कर देना है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, कैंचिप जाना, ट्रिम राइट कर देना, इसी तरह से आप लोग को, और फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, कैंचिप जाना, ट्रिम राइट कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने शुरू स्टार्टिंग का भी पार्ट थोड़ा सा कट कर दिया, लास्ट का भी पार्ट कट कर दिया। अब दोस्तों आप लोग को इसको सेव करना है, दोस्तों ये आपका 100% कंप्लीट हो चुका है, 2 मिनट लगेगा आपको एडिटिंग करने में, कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं आप लोग को करना है। उसके बाद यहाँ पे एरो क्लिक करना है, और यहाँ पे रेजुलेशन जो 1080 पे रख लीजिएगा, फ्रेम रेट आप लोग 50 पे या 60 पे भी रख सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस आप लोग मैक्सिमम 8 और 10 के अंदर रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 8 मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 7 हुआ, अभी यहाँ पे 8 कर दिया, 8 और 10 के अंदर रखिएगा, उसका सेव एज वीडियो पे आप लोग को क्लिक कर देना, ये आपका वीडियो सेव होने लगा है। दोस्तों इसी तरह से आप लोग करना, और 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके फेसबुक चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगा, और ना ही आपके वीडियो में कोई दिक्कत आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा, और आपका जो चैनल है ना बहुत ही तेजी से ग्रो भी करेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय।